समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के एक बयान पर बवाल मच गया है। आजम का बयान इतना शर्मनाक है कि खुद आजम खान की पार्टी समाजवादी पार्टी उनसे अलग हो गई है। आजम ने भारतीय सेना पर ऐसा बेशर्म बयान दिया है कि हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है। एक न्यूज एजेंसी ने सोशल मीडिया पर आजम खान का एक ऐसा बयान शेयर किया है जिसमें वो भारतीय सेना के बारे में बोल रहे हैं। आजम खान ने सेना पर क्या कहा है आपको बताते हैं। आजम खान ने आतंकवादियों द्वारा फौजियों के अंग काटने को जस्टिफाई करते हुए कहा है कि दहशतगर्द फौज के प्राइवेट पार्ट्स काटकर साथ ले गए। उन्हें फौजियों के हाथ से शिकायत नहीं थी, सिर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी वो उसे काट कर ले गए। आजम खान ने अपने इस बयान को और जायज ठहराते हुए कहा कि कश्मीर में फौजी महिलाओं के साथ रेप करते हैं, इसीलिए उनके साथ कश्मीर के दहशतगर्द ऐसा बर्ताव करते हैं। आजम का यह बयान जाहिर तौर पर सेना के मनोबल को गिराने वाला है। खुद आजम खान की अपनी पार्टी उनके इस बयान से किनारा कर चुकी है। बीजेपी के संबित पात्रा ने ऐसा बयान देने वाले आजम खान के राजनीति से बहिष्कार करने की बात कही है। आपको बता दें कि आजम खान ने पहली मर्तबा कोई विवादित बयान नहीं दिया है। इससे पहले भी आजम खान विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने बुलंदशहर गैंगरेप पर भी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली थी। हो सकता है कि बाद में आजम खान अपने इस बयान के लिए भी माफी मांगे, लेकिन फिलहाल सेना का मनोबल गिराने वाले आजम के इस बयान पर आम लोगों में काफी नाराजगी है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।